तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे, मैं आज लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है डिटर्मिनेसी और रिडंडेंसी। तो आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि डिटर्मिनेसी और रिडंडेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन होती है, क्या फॉर्मुलेशन होती है, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे, तो बात करेंगे एक स्ट्रक्चरल सिस्टम की। स्ट्रक्चरल सिस्टम में क्या होता है, मेंबर्स की असेंबली होती है। मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बीम्स, कॉलम्स, फुटिंग, स्लैब एसेट्रा मेंबर्स हो सकते हैं। उनकी असेंबली से क्या बनता है, एक स्ट्रक्चरल सिस्टम बनता है। तो एक स्ट्रक्चरल सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा, यदि जो कंस्ट्रेंट्स हैं, अगर कंस्ट्रेंट्स कोई रिजिड बॉडी मूवमेंट अगर परमिट ना करें एप्लीकेशन ऑफ लोड के कारण, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं, या तो रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या फिर एंड सपोर्ट हो सकता है, या फिर जॉइंट्स हो सकते हैं, क्लियर। अगर ये कोई रिजिड बॉडी मूवमेंट अगर परमिट नहीं करेंगे लोड के एप्लीकेशन कारण, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा वो स्ट्रक्चरल सिस्टम। अब मैं बात करूँ एक स्ट्रक्चर को कि वो स्टेबल स्टेट में कब होगा, जब वो इलास्टिकली डिफॉर्म होगा और इमीडिएट इलास्टिक रेस्ट्रेंट जब डेवलप हो जाएंगे एक्सटर्नल लोड के अप्लाई होने के कारण, ठीक है। इलास्टिक रेस्ट्रेंट का मतलब क्या है, रेस्ट्रेंट का मतलब है कंट्रोल या फिर वो अवरोध। इसके साथ साथ अगर एक स्ट्रक्चर अगर स्टेबल है तो तीन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो आप बखूबी जानते हो। समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, एंड मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट इक्वल टू जीरो। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर के स्टेबल होने के लिए। ये तीन इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। बात करेंगे सबसे पहले क्या होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। देखिए, अननोन फोर्सेस मतलब कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि रिएक्शंस अननोन फोर्सेस में आ सकती हैं और स्ट्रेस कंपोनेंट्स अननोन फोर्सेस में आ सकती हैं। अगर अननोन फोर्सेस को अगर हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोन, तो जो तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी, अगर उन तीन कंडीशंस की हेल्प से अगर मैं अननोन फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। अभी बात करते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या फिर स्टैटिकली रिडंडेंट स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें कि रिडंडेंट मेंबर होते हैं या फिर इनडिटर्मिनेंसी रहती है। देखिए, जब नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस जैसे कि रिएक्शंस और स्ट्रेस कंपोनेंट अगर ये एक्सीड कर जाते हैं या फिर ज़्यादा हो जाते हैं किससे, नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जो इक्वेशन थी हमारी इक्विलिब्रियम की, जो इक्वेशंस थी तीन जो इक्वेशन थी, अगर उससे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ फोर्सेस हो जाते हैं तो उस केस में हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा या फिर रिडंडेंट स्ट्रक्चर होगा। तो इक्वेशंस जो नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हैं उसको सॉल्व करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए हमें एडिशनल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये रिक्वायरमेंट रहती है, यहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन की इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलता। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन और रोटेशन की बात करेंगे हम कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ से भी कुछ इक्वेशंस मिल जाती हैं और जो अननोन फोर्सेस हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक रिडंडेंट स्ट्रक्चर को, एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। तो पहली कैटेगरी का नाम है एक्सटर्नली रिडंडेंट सिस्टम और दूसरी कैटेगरी का नाम है इंटरनली रिडंडेंट सिस्टम। तो एक्सटर्नली रिडंडेंट सिस्टम क्या होते हैं, आर दोज विच हैव रिडंडेंट रिएक्टिव रेस्ट्रेंट्स, और दूसरा है इंटरनल रिडंडेंट सिस्टम जिसमें क्या होता है, विच हैव रिडंडेंट मेंबर्स एंड आर ओवर स्टेप। तो दोनों ही डेफिनेशंस बिल्कुल पढ़ने से ही क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर एक्सटर्नली रिडंडेंट सिस्टम में रिडंडेंट रिएक्टिव रेस्ट्रेंट्स होते हैं, रिडंडेंट मतलब अननोन रिएक्टिव रेस्ट्रेंट्स होते हैं, और इंटरनली रिडंडेंट सिस्टम में क्या होते हैं, रिडंडेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या होते हैं, रिडंडेंट मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स कैसे होते हैं, ओवर स्टेप होते हैं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ सपोर्ट्स। सपोर्ट्स के बारे में आप बखूबी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहली जो सपोर्ट है मेरी वो क्या है, सिंपल सपोर्ट, या फिर मैं दूसरा नाम से उसे जानता हूँ, उसका नाम है फ्री एंड सपोर्ट। इस फ्री एंड सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट को मैं एक नाम से और जानता हूँ, रोलर सपोर्ट के नाम से भी जानता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने एक रोलर सपोर्ट का डायग्राम आपको शो किया है, जिसमें एक अपर रॉकर है और एक लोअर रॉकर है, जो कि ट्रायंगल शेप में आपको दिख रहा होगा। और अपर रॉकर और लोअर रॉकर के बीच में एक पिन होगी, ठीक है, और इनके बीच में लोअर रॉकर और एक बियरिंग प्लेट होगी, और इन दोनों के बीच में क्या है, रोलर्स लगे हुए हैं। तो ये आर क्या है, वर्टिकल डैश में एक रिएक्शन मिलेगी इस सिंपल सपोर्ट से। देखिए, सिंपल सपोर्ट या फिर फ्री हैंड सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट जो होता है वो हमें सिर्फ एक रिएक्शन देता है, वो भी वर्टिकल डैश में रिएक्शन मिलती है हमें। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूँ तो ना तो ये बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता, ना ही हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्टेंस देता, इसीलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2। नेक्स्ट सपोर्ट है हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट में एक अपर रॉकर होगा, बीच में पिन होगी, एक लोअर रॉकर होगा और एक प्लेट होगी। तो अभी ये ग्राउंड पर रेस्ट कर रही होगी, फिक्स्ड होगी ग्राउंड पर, ओके। तो और इंक्लाइंड रिएक्शन मिल रही होगी, तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 रिएक्शन मिलेंगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, क्योंकि ये मोमेंट को अलाउ कर देता है, कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं रहता। तो बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। और नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। तो अगली मैं बात करता हूँ अगली सपोर्ट की, जो उसका नाम है फिक्स सपोर्ट और बिल्ट इन सपोर्ट, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी मेंबर इस प्रकार से अगर पोजिशन में होगा, ठीक है, ये देखिए, ये डेड डेड डैश करके मैंने क्या दिखा दिया कि रिलेटली फिक्स्ड है किसी सपोर्ट के अंदर ये मेंबर, तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी, एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी और एक बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, मतलब मोमेंट को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी फिक्स सपोर्ट में, 3 रिएक्शन होंगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। तो अभी बात करते हैं एक्सटर्नल रिडंडेंसी के बारे में, बाद में इंटरनल रिडंडेंसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रिडंडेंसी के अंदर तो कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम समझ लेते हैं। कैपिटल ई को मैं ले रहा हूँ, डिग्री ऑफ इंटरनल रिडंडेंसी, किसी भी स्ट्रक्चर में कितनी डिग्री ऑफ एक्सटर्नल रिडंडेंसी है, सॉरी। इसके बाद कैपिटल आर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स, मतलब टोटल अभी जो रिएक्शंस की हमने बात करी ना, किस सपोर्ट से कितनी रिएक्शन मिलने वाली हैं, तो उनका सम कर देंगे यहाँ पर। आर जो भी हमारा गिवन स्ट्रक्चर होगा उसमें कैपिटल आर ऐसे ही निकालेंगे हम। तो याद रखना आप, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट होगा। स्मॉल आर क्या है पे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशंस अवेलेबल, ठीक है। तो कंडीशंस के साथ में जो इक्वेशन हमें अवेलेबल होंगी उसका सम होगा यहाँ पर आर। तो कैपिटल ई इज इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्सटर्नल रिडंडेंसी के कारण। देखिए, जब ई की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब है कि आर किसके इक्वल होगा, स्मॉल आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, एक्सटर्नली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हमारा होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि अननोन फोर्सेस जितने भी हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर डिटरमाइन कर सकते हैं जो कंडीशन इक्वेशंस अवेलेबल हैं उसकी हेल्प से। देखिए, जब कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी स्मॉल आर की वैल्यू से, तो ई की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, वो भी एक्सटर्नली है, ओके। इसके साथ साथ एक बात और याद रखना, स्टार करके मैं आपको मेंशन करा रहा हूँ, एक कंटिन्यूस बीम क्या है, एक टिपिकल एग्जांपल है एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। एक कंटिन्यूस बीम क्या है, एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है। तो एक्सटर्नल रिडंडेंसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ प्रॉप्ड कैंटिलीवर से रिलेटेड। तो जिसमें प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या होता है, एक एंड पर फिक्स्ड होती है, दूसरे एंड पर हिंज होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है प्रॉप्ड कैंटिलीवर का। तो सबसे पहले जनरल लोडिंग के बारे में बात करूँगा, फॉर्मुलेशन लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू आर माइनस स्मॉल आर। तो जनरल लोडिंग के लिए बात करूँगा तो सबसे पहले कैपिटल आर बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पर 3 रिएक्शन होंगी और यहाँ पर 2 रिएक्शन होंगी हिंज पर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 2 = 5। स्मॉल आर की वैल्यू मतलब कितनी है, 3। कंडीशंस जो अवेलेबल होंगी वो इक्विलिब्रियम की होंगी, तो वो 3 होती हैं। तो ई की वैल्यू यहाँ पर आएगी 5 - 3 = 2। तो जो गिवन एग्जांपल है, वो गिवन जो स्ट्रक्चर है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है एक्सटर्नली टू सेकेंड डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो मैंने अलग से टेक्स्ट डाल दिया है वीडियो के अंदर। अभी वर्टिकल लोडिंग के केस में चेक कर लेते हैं, वर्टिकल लोडिंग में सिर्फ वर्टिकल लोड्स आएंगे और मोमेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल लोडिंग की बात ही नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 थे तो यहाँ पर रह जाएंगे 2, और यहाँ पर हिंज वाले एंड पर कहते थे 2, तो यहाँ पर रह जाएगा 2 ही, एक ही रहेगा यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 1 = 3 आ जाएगी, और स्मॉल आर की वैल्यू जो होगी वो 3 से हटके क्या हो जाएगी, 2 रह जाएगी,
क्योंकि मैं ओनली वर्टिकल लोडिंग का केस ले रहा हूँ, तो रिएक्शंस जो अवेलेबल है वो भी एम भी रहेंगी। तो ई इज इक्व टू क्या आ गया, 3 - 2 इज इक्व टू 1 आ गया। तो ये स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, स्ट्रेटिकली इनडिटर्मिनेट होगा सेकेंड फर्स्ट डिग्री के लिए, ठीक है, एक्सटर्नली होगा। और अभी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ, एक फिक्स्ड बीम है, एक बीम है जो फिक्स्ड है दोनों एंड्स पर, तो रिएक्शन कितनी रहेंगी दोनों एंड्स पर, 3-3 रिएक्शन रहेंगी। तो जनरल लोडिंग के केस में बात करूँगा तो कैपिटल आर इक्व टू 3 + 3, 3 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। स्मॉल आर कितना था हमारा, 3 है, सॉरी 2 नहीं है, चेंज कर देता हूँ स्मॉल आर को, 3 है। तो ई इज इक्व टू कितना आएगा, 6 - 3 इज इक्व टू 3 आ चुका है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है एक्सटर्नली टू थर्ड डिग्री। अभी वर्टिकल लोडिंग के केस की मैं बात कर लेता हूँ, तो कैपिटल आर इज इक्व टू कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4। स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि वर्टिकल लोडिंग केस है। तो ई इक्व टू कितना आ गया, 2, इस बार सेकेंड डिग्री के लिए रह गया क्योंकि वर्टिकल लोडिंग केस है। देखिए अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, एक कंटिन्यूस बीम का एग्जांपल है जो कि एक एंड पर क्या है फिक्स्ड और बाकी सभी एंड पर क्या है रोलर सपोर्ट से या फिर सिंपली सपोर्टेड है। तो जनरल लोडिंग की बात करूँगा, जनरल लोडिंग में कैपिटल आर की वैल्यू देखो यहाँ पर 3111 हमारी क्या रहेंगी, रिएक्शन रहेंगी। तो 3111 को मैंने ऐड कर दिया, आर आ गया 6, स्मॉल आर कितना अवेलेबल था 3, तो कैपिटल ई कितना आ जाएगा 3। ओके, अब वर्टिकल लोडिंग की मैं बात करूँ तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 3 की जगह 2 + 1 = 1, तो कितना आ गया आर 5, स्मॉल आर हो गया 2 और ई कितना हो जाएगा 3। अभी फिर से नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये भी एक कंटिन्यूस बीम आप कह सकते हैं जिसकी पर स्टार्टिंग में क्या है रोलर सपोर्ट लगी है, उसके बाद हिंज है, एक पिन है बीच में और उसके बाद लास्ट में भी एक हिंज है सपोर्ट। तो जनरल लोडिंग के ही केस की बात करूँगा सिर्फ मैं यहाँ पर, तो कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में रिएक्शन 1 होगी, यहाँ पर 2 होंगी, यहाँ पर भी 2 होंगी, तो 1 + 2 + 2 कितना आ गया कैपिटल आर 5। स्मॉल आर कितना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन से कितना मिला, 3 इक्वेशंस मिली, प्लस एक मुझे कहाँ से मिलेगी, पिन के द्वारा एक रिएक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 + 1 = 4, यहाँ पर एक इक्वेशन किससे मिली है मुझे, यहाँ पिन से मिली है, तो कैपिटल ई कितना हो जाएगा, 5 - 4 = 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले एक हिंज सपोर्ट है, उसके बाद रोलर है, उसके बाद में दो लिंक्स हैं या फिर दो पिन हैं बी और सी पॉइंट पर, और लास्ट में क्या है हमारा एक हिंज सपोर्ट है। तो सभी की रिएक्शन कितनी है, 2, 1 और 2। तो जनरल लोडिंग के केस में कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 1 + 2 कितना आ गया 5, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से 3 इक्वेशंस हो गई और 2 पिन की वजह से आ गई, तो आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो कैपिटल ई कितना हो जाएगा, 5 - 5 = 0। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है एक्सटर्नली। तो अभी आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ रेडंडेंसी ऑफ आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ पिन जॉइंटेड फ्रेम बोल सकता हूँ। तो जो पिन जॉइंटेड फ्रेम है या फिर आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है किससे बनते हैं, नंबर ऑफ बार्स की हेल्प से बनते हैं या फिर नंबर ऑफ स्ट्रेट मेंबर्स की हेल्प से बनते हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं फ्रिक्शनलेस पिन से। ठीक है, तब ज्योमेट्रिकल फिगर्स के फॉर्म में बन जाती है। मोस्ट जर्नली क्या होता है, ट्राइंगल्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर रहता है ये वाला। ओके, तो एक स्टेबल और डिटर्मिनेट फ्रेम को आप बना सकते हैं ट्राइंगल्स की असेंबली करके, मतलब मेंबर्स को आप लगाएंगे, ज्योमेट्री कैसे रहेगी, ट्राइंगल्स की असेंबली के कारण रहेगी। तो एक छोटा सा फिगर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि मतलब कैसे एक पिन जॉइंटेड फ्रेम दिखती है। देखिए, तो ये है मान लो 3 मेंबर्स हैं, तो और तीनों पर क्या है, 3 जॉइंट्स हैं। मैं और मेंशन कर देता हूँ जॉइंट स्मॉल जे से डिनोट कर रहा हूँ, और मेंबर्स ये हैं, ये भी 3 हैं, और स्मॉल एम से मेंबर्स को डिनोट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने फ्रेम का जो फर्स्ट ट्रायंगल बनाया है उसमें कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, और जॉइंट कितने हैं, ओनली 2। तो देखिए अगर मैं नेक्स्ट ट्रायंगल अगर बनाता हूँ इसी में, तो मुझे 2 मेंबर और 1 जॉइंट की आवश्यकता होगी, ओनली 2 मेंबर और 1 जॉइंट एक्स्ट्रा मुझे लगने वाले हैं। तो इसी के बेसिस पर फॉर्मूलेशन निकल के आया है। देखिए मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, इफ स्मॉल एम क्या है, अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है स्मॉल एम, किसमें पिन जॉइंटेड फ्रेम या फिर आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर में स्मॉल एम क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, स्मॉल जे क्या है, यदि टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे निकल के आएगा,
एम इज इक्वल टू 3 + 2 ब्रैकेट में जे माइनस थ्री, तो मैं कह सकता हूँ कि एम इज इक्वल टू 2j-3, या फिर मैं सिंपल बोलूँ आपसे स्मॉल एम इज इक्वल टू 2j-3, तो ये आपका मेन एक्सप्रेशन रहेगा। तो इसी के साथ साथ मैं डिग्री ऑफ इंटरनल रिडंडेंसी की बात करता हूँ आर्टिकुलेटेड या फिर पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स के लिए। डिग्री ऑफ इंटरनल रिडंडेंसी की बात करता हूँ जिन्हें से मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल आई से डिनोट करता हूँ। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा, कैपिटल आई इज इक्वल टू स्मॉल एम माइनस ब्रैकेट में 2j-r। जो ऊपर एक्सप्रेशन है उसी की हेल्प से मैंने निकाला है, स्मॉल एम माइनस 2j+r इक्वल टू 0 करके मैं निकाल सकता हूँ कैपिटल आई को। देखिए टोटल रिडंडेंसी की क्या है, टी इज इक्वल टू कैपिटल ई प्लस कैपिटल आई। तो देखो ई कितना था हमारा पहले, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, प्लस अभी आई कितना आया है, एम माइनस 2j-r, ठीक है ब्रैकेट में है वो। तो देखिए आर से आर ये कट जाएगा, तो कैपिटल टी मतलब टोटल रिडंडेंसी कितनी बचेगी, एम प्लस कैपिटल आर माइनस 2j, ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा टोटल रिडंडेंसी के लिए। पिन जॉइंटेड फ्रेम या फिर आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स की रिडंडेंसी के बारे में हम पता कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो ये है मेरे पास एक पिन जॉइंटेड फ्रेम है जिसमें एक सपोर्ट कौन सी है, एक रोलर सपोर्ट है और एक हिंज सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन मिलेगी एक और हिंज पर मिलेगी रिएक्शन दो, तो कैपिटल आर मेरा कितना हो जाएगा, 2 + 1 मतलब 3, और स्मॉल आर क्या है, नंबर ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अवेलेबल जो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू आर माइनस आर मैं जानता हूँ, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 3 - 3 मतलब 0। तो एक्सटर्नल रिडंडेंसी कैसी है, 0 है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 9, और नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर, 6। तो कैपिटल आई भी यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, स्मॉल एम माइनस 2j-r, 2j-r कितना है ब्रैकेट में है, एम की वैल्यू मैंने पुट कर दी 9, और सॉल्व कर लेता हूँ इसको बाकी का, तो ये कुछ निकल के आ रहा है 9 - 9 0। तो एक्सटर्नली भी रिडंडेंसी कैसी है, 0। देयरफोर टोटल रिडंडेंसी कितनी होगी स्ट्रक्चर के लिए, तो ई प्लस आई के दोनों 0 हैं, तो कैपिटल टी कितना आ गया, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रक्चर गिवन है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा था, स्टैटिकली डिटर्मिनेट था बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें कि एक सपोर्ट कैसी है, हिंज सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट भी हिंज सपोर्ट है, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, देखिए सेंटर में क्या है, फिर से ये जॉइंट्स हैं, मैं मेंबर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये है मेरा क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं मैं काउंट कर लेता हूँ, तो टोटल 15 मेंबर्स हैं। जॉइंट्स कितने हैं टोटल, यहाँ पर जॉइंट्स हैं नंबर 8 हैं, 8 नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। कैपिटल आई की बात कर लूँ, एम माइनस 2j-r में वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो कैपिटल आई को मैं सॉल्व कर लेता हूँ वैल्यूज को पुट करने के बाद, तो 15 - 16 - 3 ब्रैकेट में जो है, तो 15 - 13 क्या बचेगा, 2, मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और मैं बात करूँ कैपिटल ई की, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो आर कितना है यहाँ पर, 2 + 2 = 4, और स्मॉल आर कितना है, 3। तो ई कितना आ गया, 1, और टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आज के लिए लेक्चर नंबर 1 का जो पार्ट नंबर ए है होता है यहीं पर एंड, और वीडियो का पार्ट बी आने वाला है, लेक्चर नंबर 1 का जो पार्ट बी है वो भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ रिडंडेंसी ऑफ रीड फ्रेम्स, जिसको आप चेक कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर लिंक पड़ा हुआ है तो चेक कर लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए और अपना लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से किसी भी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट कर दीजिए कि इस रिलेटेड हमें भी एक वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, कीजिए कमेंट अगर कोई डाउट है, तो शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में ही ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसका नाम है पढ़ा दे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।